वेलकम योर टीचर द टाइप ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन विल लर्न अबाउट द सेकंड पैरामीटर दैट इज कंपोनेंट रोल्स कंपोनेंट रोल्स स्पेसिफाई द रोल प्लेड बाय कंप्यूटर नेटवर्क्स इन अ नेटवर्क ऑपरेशन मीन्स जो आपका ये टाइप ऑफ नेटवर्क होता है वो इस क्राइटेरिया पर डिवाइड किया जाता है कि जो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं वो किस तरह से कनेक्ट हैं और वो किस तरह से एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या कि वो किस तरह से वर्क परफॉर्म कर रहे हैं इस बिहाफ पर ही इस नेटवर्क को मल्टीपल टाइप में डिवाइड किया जाता है तो जानते हैं कौन कौन से टाइप हैं कंपोनेंट रोल के बेसिस पर सो फर्स्ट टाइप है पेयर टू पेयर नेटवर्क और सेकेंड टाइप है क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क so let's start with the first one that is p2p network the peers or computer system which are connected to each other via the internet files can be shared directly between systems on the network without the need of a central server जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और जो फाइल शेयर होती है उन कंप्यूटर्स के बीच में उनको शेयर करने के लिए किसी भी सेंट्रल सर्वर की नीड नहीं होती है सेंट्रल सर्वर की नीड क्यों नहीं होती है क्योंकि जो पेयर टू पेयर नेटवर्किंग होती है इसमें हर कंप्यूटर पर्सनल लेवल पर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है अब बार बार वर्ल्ड यूज हो रहा है पेयर तो पेयर क्या होता है पेयर वो ऐसे कंप्यूटर होते हैं या ऐसे इंडिविजुअल कंप्यूटर होते हैं जो किसी नेटवर्क का पार्ट होते हैं और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वो उस नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं जिनको हम होस्ट या नोड भी कह सकते हैं तो पी टू पी नेटवर्क में हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर से पर्सनली कनेक्ट होता है उनको एक दूसरे के बीच में किसी भी डेटा को ट्रांसमिट uh, करने के लिए एक्स्ट्रा सर्वर की नीड नहीं होती है पेयर टू पेयर नेटवर्किंग में जो सारे कंप्यूटर होते हैं वो इक्वली वर्क परफॉर्म करते हैं और जो कंप्लीट uh, नेटवर्क का वर्कलोड होता है उसको सारे कंप्यूटर इक्वली शेयर करते हैं उसमें किसी भी कंप्यूटर को कोई एक्स्ट्रा प्रिवलेज नहीं होती है या कोई भी कंप्यूटर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर वर्क नहीं करता है सारे कंप्यूटर सेम लेवल पे वर्क परफॉर्म करते हैं सारे कंप्यूटर एज अ फाइल सर्वर भी वर्क परफॉर्म करते हैं और ऐसा क्लाइंट सर्वर भी वर्क परफॉर्म करते हैं जैसे कि अगर हम समझें दो कंप्यूटर है एक कंप्यूटर ए और एक कंप्यूटर बी या हम कह सकते हैं पेयर ए और पेयर बी अगर पेयर ए किसी फाइल की या किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है पेयर बी से उस सिचुएशन में जो पेयर ए होगा वो एज अ क्लाइंट वर्क करेगा और जो पेयर बी होगा वो एज अ सर्वर वर्क करेगा क्यों क्योंकि इस टाइम पेयर ए रिक्वेस्ट कर रहा है किसी सर्विस की तो वो क्लाइंट हुआ और पेयर बी पेयर ए के की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो सर्वर हुआ उसी का अगर हम अपोजिट टास्क देखें कि अगर उसी नेटवर्क में अब पेयर बी जो है वो किसी फाइल की रिक्वेस्ट कर रहा है पेयर ए से उस सिचुएशन में जो पेयर बी होगा वो एज अ क्लाइंट वर्क परफॉर्म करने लगेगा और जो पेयर ए होगा वो एज अ फाइल सर्वर वर्क परफॉर्म करने लगेगा क्यों क्योंकि इस टाइम में जो पेयर ए है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और सर्विस प्रोवाइड करने वाला हमारा सर्वर कहलाता है और जो पेयर बी है वो सर्विस की रिक्वेस्ट कर रहा है और सर्विस की रिक्वेस्ट करने वाला हमारा क्लाइंट कहलाता है तो इसमें सारे कंप्यूटर इक्वली वर्क करते हैं जब जो कंप्यूटर या जब जो पेयर किसी फाइल की या किसी सर्विस की रिक्वेस्ट कर रहा होता है उस टाइम पे वो एज अ क्लाइंट वर्क परफॉर्म करता है और अगर सेकेंड टाइम में वो किसी अदर कंप्यूटर को या किसी अदर पेयर को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है तो वही कंप्यूटर एज अ फाइल सर्वर वर्क परफॉर्म करने लगता है जैसा कि फिगर में दिख रहा है कि सारे कंप्यूटर पर्सनल लेवल पर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इस नेटवर्क का एक बेनिफिट होता है कि चूँकि सारे कंप्यूटर डायरेक्टली दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं तो इनके बीच में जो डेटा का ट्रांसमिशन uh, uh, होता है वो काफ़ी इजी और काफ़ी फास्ट हो जाता है उसके अलावा एक इसका ड्रॉबैक भी है कि अगर इन सारे कंप्यूटर्स में से कोई एक कंप्यूटर जो है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाए किसी भी वजह से तो उसका इफेक्ट पूरे नेटवर्क पे पड़ता है और पूरे नेटवर्क की जो स्पीड है वो इफेक्टेड होती है या हम कह सकते हैं पूरे नेटवर्क की जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है बिकॉज ऑफ अ सिंगल कंप्यूटर तो कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं पेयर टू पेयर नेटवर्किंग की अब बात करते हैं सेकेंड नेटवर्किंग की जो कि हमारा है क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क जो कि हम बहुत अच्छे से समझते हैं क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क क्या होता है क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें कोई एक कंप्यूटर होता है जो एज हेड सर्वर या एज हेड कंप्यूटर या एज अ सर्वर वर्क करता है उस कंप्यूटर से या उस सर्वर से बाकी सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं जो अदर कंप्यूटर्स होते हैं जो सर्वर से कनेक्टेड होते हैं उनको हम क्लाइंट कंप्यूटर्स बोलते हैं और अगर किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर को किसी भी फाइल की या किसी भी रिसोर्स की या किसी भी सर्विस की नीड होती है तो वो डायरेक्टली किसी दूसरे कंप्यूटर से रिक्वेस्ट ना करके सर्वर से रिक्वेस्ट करता है और जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है जो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं वो एज कंपेयर टू अदर क्लाइंट कंप्यूटर ज्यादा हाई क्वालिटी के कंप्यूटर्स होते हैं जैसा कि फिगर में दिख रहा है कि हर क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट है कोई भी कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है मींस एक सेंट्रल सर्वर है जो सारे कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उनकी नीड के अकॉर्डिंग तो ये था यर टू पेयर का नेटवर्क और क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क अब देखते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स जिनके बिहाफ पे हम क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क और पेयर टू तो पेयर नेटवर्क को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा सिक्योरिटी द सर्वर कंट्रोल सिक्योरिटी ऑफ द नेटवर्क वाइल इन पेयर टू पेयर नेटवर्क नो सेंट्रल कंट्रोल ओवर सिक्योरिटी जो क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटर होता है क्यों उसमें जो सर्वर होता है वो हमारा हेड होता है और वो जो सिक्योरिटी होता है उसको मेंटेन करता है वो ये मैनेज करता है कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन या और कोई अनऑथराइज सिस्टम हमारे नेटवर्क में कनेक्टेड ना हो पाए और हमारा जो सारा डेटा है वो सेफ एंड सिक्योर रहे डेटा सेफ़ एंड सिक्योर इसलिए रहता है क्योंकि सारा डेटा एक ही कंप्यूटर के ऊपर सेव रहता है ठीक बल्कि उसकी जगह जो पेयर टू पेयर नेटवर्किंग होती है उसके अंदर जो डेटा होता है वो हर कंप्यूटर पे अपना पर्सनली सेव होता है इसीलिए वो ज्यादा सेफ एंड सिक्योर नहीं होता है अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट दैट इज मैनेजमेंट द सर्वर मैनेज द नेटवर्क नीड्स आ डेडिकेटेड टीम ऑफ पीपल टू मैनेज द सर्वर वाइल इन अ पेयर टू पेयर नेटवर्क नो सेंट्रल कंट्रोल ओवर द नेटवर्क एनी वन स्कैन सेटअप मतलब कि जो मैनेज करना होता है क्लाइंट टू क्लाइंट क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क को उसके लिए uh, कई सारे पर्सन की एक टीम वर्क करती है क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसको मैनेज करना थोड़ा सा स्ट्रिकी होता है या हम कह सकते हैं कि उसको ज़्यादा मैनेजमेंट की नीड होती है क्योंकि सारा वर्कलोड जो होता है वो एक सेंटर सर्वर के सर्वर के ऊपर ही होता है इसलिए उसको मैनेज करने की ज़रूरत होती है जबकि पेयर टू पेयर नेटवर्क को कोई भी पर्सन कैसे भी सेटअप कर सकता है उसके लिए किसी एक्स्ट्रा टीम की जरूरत नहीं होती है थर्ड पॉइंट है, है हमारा डिपेंडेंसी जो क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क होता है इसमें जो सारे क्लाइंट्स होते हैं वो सर्वर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अगर उनको किसी भी दूसरे क्लाइंट से किसी भी तरह के किसी डेटा की नीड है तो उन्हें फर्स्टली सर्वर से कनेक्ट होना पड़ता है सर्वर से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है लेकिन इसके अलावा जो हमारा पेयर टू पेयर नेटवर्किंग होती है उसमें किसी भी तरह की कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती है क्योंकि सारे कंप्यूटर पर्सनली हर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं तो वो ईजली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी पे डिपेंड हुए नेक्स्ट पैरामीटर है परफॉर्मेंस जो क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटर होता है उसमें जिस तरह का हमारा वर्कलोड होता है हम उसके अकॉर्डिंग अपने सर्वर कंप्यूटर को अपग्रेड कर सकते हैं अगर हमारे नेटवर्क जो है उस पे पर ज़्यादा वर्कलोड पड़ रहा है तो हम अपने जो सर्वर है उसको ज़्यादा हाई क्वालिटी का कर देते हैं जिससे कि वो सारा वर्कलोड मैनेज कर लेता है जबकि उसकी जगह जो पेयर टू पेयर नेटवर्किंग होती है उसमें चूँकि सारे कंप्यूटर जो होते हैं वो वर्कलोड को शेयर करते हैं और अगर कोई कोई ऐसा कंप्यूटर है जिसके जिसके पास बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी के रिसोर्सेज नहीं हैं तो वो कंप्यूटर जो है वो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो स्लो हो जाती है और जिसका इफ़ेक्ट पूरे नेटवर्क पे पड़ता है वो सारे नेटवर्क को या पूरे नेटवर्क की जो स्पीड है उसको स्लो डाउन कर देता है उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा बैकअप जो क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क होता है उसमें जो कंप्लीट बैकअप होता है वो हमारा एक्सेंट्रलाइज मैनर में सर्वर कंप्यूटर के ऊपर स्टोर होता है और पेयर टू पेयर नेटवर्क में जो फाइल्स होती हैं वो हर कंप्यूटर पे इंडिविजुअली सेव होती हैं तो बैकअप लेना भी क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क से ज़्यादा इजी होता है क्योंकि हमको सारी फ़ाइल एक ही सिस्टम पे मिल जाती हैं और हम वहाँ से ईजली बैकअप ले सकते हैं लेकिन पेयर टू पेयर नेटवर्किंग में चूँकि अगर हम मान के चलें कि फाइव कंप्यूटर या टेन कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं और हमें बैकअप लेना है तो हमें हर कंप्यूटर पे पर्सनली जाके हर कंप्यूटर का इंडिविजुअल इंडिविजुअली बैकअप लेना पड़ता है जो कि थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी होता है लेकिन क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क में हमको सिर्फ एक सर्वर कंप्यूटर को एक्सेस करना होता है और हम इजली सारे डेटा का बैकअप ले सकते हैं तो बैकअप मेंटेन करना सिक्योरिटी सारी चीज़ें हमारी क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क में ज़्यादा अच्छे से हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू पेयर टू पेयर नेटवर्किंग इसीलिए ज़्यादातर हर जगह जब हम इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे होते हैं तो क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर ही वर्क परफॉर्म करता है सो so, ये था हमारा टाइप ऑफ नेटवर्क ऑन द बेस्ड ऑफ कंपोनेंट रोल in next video we will discuss the next parameter on behalf of that we can divide the network in multiple type so i think that's enough for today thank you for watching take care have a nice day